अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, मेरा नाम मोहम्मद तारिक, मैं आपका जोग्राफिया का टीचर हूँ। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है बेटा, ओजोन गैस की कमी के मसले पर काबू पाने के लिए इकदाम। ये आज हमारा टॉपिक है और एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 है जो आज हमने पढ़ना है, ओजोन गैस। बेटा अभी मैंने पिछले लेक्चर के अंदर अर्ज किया था कि अल्लाह ताला ने हमारी जमीन को मुख्तलिफ गैसों के जरिए इंसानी जिंदगी को बचाने के लिए हमारे पूरा जमीन को मुख्तलिफ गैसों के शक्ल में इंकलाब की सूरत में लपेट दिया है और उन गैस के अंदर एक गैस ओजोन भी है और इसकी अहमियत हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा है, क्योंकि ओजोन गैस सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट श्वाएं जो अपने अंदर जब करती है और उसके मुजर असरात को अपने अंदर जज्ब करके और उसमें जो एनर्जी या तवानाई होती है वो हमें फराहम करती है। तो गुज़श्ता सालों से हम अगर तारीख का मुताला करें और दुनिया की हिस्ट्री का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि हमने अपने हाथों ही से अपने कामों के जरिए और अपने आमाल के जरिए हमने जो हम दुनिया के अंदर करते हैं, ये मसलन जो भी रोज़मर्रा के काम हैं, जो तवानाई फराहम करने के वसाइल हैं वगैरह वगैरह, ईंधन वगैरह जलाना, तो उसके जरिए से हमने ओजोन की जो तय है, लेयर है, उसको हमने कमज़ोर करना शुरू कर दिया है और इसकी कमजोरी की बिना पर अब एक वक्त आ चुका था, जैसे नासा की रिपोर्ट के मुताबिक, कि अगर ओजोन की तह मजीद इसी तरीके से कमजोर होती गई तो फिर जिंदगी का जो खतरा है, जिंदगी इंसानी दुनिया में इंसानी जिंदगी जो है ना, वक्त खतरा का शिकार हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि हमने इस ओजोन की तह को किस तरह बचाना है और आलमी इदारा जो नासा है वो किस तरह इकदाम कर रही है और इस ओजोन की लेयर को बचाने के लिए। तो हम किताब में जरा देखते हैं, गुज़श्ता सालों में मुख्तलिफ ममालिक इकदाम की वजह से बेहतर बताए गए हैं। मसलन दरख्तों का जंगलात का ज्यादा लगाना, जंगलात लगाए गए और जंगलात जो है वो हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं और आलूदगी को अपने अंदर जब्त करते हैं। इस बिना पर जो आलूदगियाँ फिजा की तरफ बढ़ रही थी और ओजोन लेयर को नुकसान पहुँचा रही थी, दरख्तों के जंगलात के ज्यादा लगाने से वो जो है आलूदगियों में कमी आई है और इस तरीके से आलू जो ओजोन लेयर है, ओजोन तह है, वो कुछ ना कुछ महफूज हो गई है। नासा जो एक वर्ल्ड इदारा है उसके मुताबिक नासा और दूसरे जराये से आने वाली जमीनी मालूमात से पता चलता है कि ओजोन गैस के कम होने की रफ्तार अब क्या हो चुकी है, अजीज तलबा, सुस्त हो गई है। इसकी बड़ी वजह सबसे पहले सीएफसी गैस के इस्तेमाल में कमी और सीएफसी गैस किसके लिए इस्तेमाल होती है, रेफ्रिजरेटर या फ्रीजर को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, इसमें कमी, फिर इस पर उन्होंने मुस्तकिल तौर पर क्या लगा दी, पाबंदी लगा दी। अब सीएफसी गैस की जगह पर उन्होंने एक नई गैस और दूसरी गैसें इस्तेमाल हो रही है, मिसाल के तौर पर HCFC गैस इस्तेमाल हो रही है जो कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और फ्लोरीन का मुरक्कब है। तो इसको क्या कहते हैं बेटा, ये MCQs के तौर पर भी ये पॉइंट आ सकता है, HCFC। और इसके बाद किसी कौन सी गैस में कमी हो रही है, जो उन्होंने FC गैस के अंदर कमी की है जिसकी बिना पर ओजोन गैस की लेयर है या तय है वो महफूज हो गई है और गैसों का मुरक्कब है। ये गैस सीएफसी गैस की निस्बत कम मुज़र है, यानी कम नुकसानदेह है। जितना सीएफसी गैस नुकसानदेह है हमारे माहौल के लिए, हमारी जिंदगियों के लिए और ओजोन लेयर को खराब करने के अंदर, ये जो दूसरी गैस है सीएफसी गैस अपना HCFC
सीएफसी गैस जो है ये सीएफसी गैस से निस्बतन कम नुकसानदेह है और कम मुजर है। उम्मीद की जा सकती है कि इस सदी के वास्ते में इस जो मौजूदा सदी चल रही है इसके दरमियान में इसके आखिर तक हम उज़ून गैस को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। तो अजीज तलबा, आज हमने उज़ून गैस की कमी के मसले पर काबू पाने के लिए इकदाम जो अपना मुल्की लेवल पे और आलमी लेवल पर किए गए हैं उसके बारे में हमने थोड़ी सी मालूमात हासिल की है। क्या है आलमी लेवल पर क्या किया गया है, नासा और दीगर जो जराए हैं उससे हम मालूमात मिलने के मुताबिक हमें पता चला है कि उन्होंने सीएफसी गैस को जो उज़ून गैस के नुकसानदेह थी उसको कमी किया, फिर मुस्तकिल तौर पर उस पर पाबंदी लगा दी और फिर दूसरी बात जो आम हम जो अवाम है उनकी लेवल पर क्या हुआ कि दरख्तों को ज़्यादा उगा कर जंगलात को ज़्यादा उगा कर और दूसरी बात सीएफसी गैस पर और इसके अलावा सीएफसी गैस के अलावा जो उससे कम गुजर सीएफ जो है नुकसानदेह गैस है एचसीएफसी उसका इस्तेमाल किया गया, जिसकी बिना पर जो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस जो मौजूदा सदी चल रही है इसके वक्त में हम उज़ून गैस को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। तो अजीज तलबा, ये जो है आज का हमारा लेक्चर और अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं और मुझे फ़ोन से रابطہ भी कर सकते हैं। वस्सलाम।